मध्य प्रदेश 23 श्रद्धालु भूस्खलन, तेज बारिश और बाढ़ के चलते नेपाल में फंस गए हैं। इन श्रद्धालुओं की वापसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। ये यात्री नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नेपाल में हुए भूस्खलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गए कुल 23 यात्रियों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की सहायता से काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल कर उनके गंतव्य स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। हमारे कोई भी यात्री कहीं भी फंसा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सदैव चिंता की और मुझे इस बात का संतोष है, हमने जैसे ही भारत सरकार के अधिकारियों के माध्यम से नेपाल के लोगों से संपर्क किया और वो हरकत में आए और हमने अपने एक एक तीर्थ यात्री की चिंता की है, वो सब सुरक्षित है, उनको निकाल के लाए। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि किसी देश के किसी हिस्से में या देश के बाहर के किसी हिस्से में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई अनहोनी होती है, तो सदैव हमारे भारत सरकार के सभी अधिकारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब तत्परता से काम करते हैं। उसका हम सबको एक तरह से मन में संकल्प और उनका आत्मविश्वास भी है और ये उनकी त्वरित गति से काम करने की कार्यप्रणाली भी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।